भाई पवन सिंह के साथ काजल राघवानी की ये दूसरी मूवी है, और अब काजल राघवानी के फैंस के लिए भी ये खुशखबरी है कि काजल राघवानी भोजपुरी इंडस्ट्री की नंबर वन एक्ट्रेस जो बन गई हैं। जी हाँ भाई, इस रेस से अक्षरा सिंह को तो बाहर ही समझिए, क्योंकि अक्षरा सिंह के पास इस वक्त किसी भी बड़े सुपरस्टार के साथ या बड़े डायरेक्टर के साथ कोई भी बड़ी फिल्म नहीं है। वो जो भी फिल्में कर रही हैं, प्रदीप पांडे चिंटू के साथ कर रही हैं, या फिर रितेश पांडे के साथ कर रही हैं, या फिर हो सकता है अरविंद अकेला कल्लू के साथ आने वाले दिनों में वो कुछ फिल्में भी साइन कर ले, और शायद सुनने में आया है कि एक फिल्म उनके साथ भी कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि पवन और अक्षरा का जो झगड़ा हुआ उसमें अब फायदे में है अगर कोई, तो भाई काजल राघवानी है। काजल राघवानी ने, मैंने उनको सजन चुलिया में अक्षरा सिंह को रिप्लेस किया और फिल्म सुपर डुपर हिट रही। फिल्म के गाने भी लोगों को बहुत पसंद आए और फिल्म के लेकर इन दोनों जोड़ियों की चर्चा भी खूब हुई। अब ये दोनों की जोड़ी एक गाने में फिर से आ रही है। फिल्म का नाम है पवन पुत्र, और इस गाने में ये दोनों एक स्पेशल नंबर कर रहे हैं। फिल्म में पवन सिंह मेन लीड में है, लेकिन अब तीसरी फिल्म ये दोनों एक साथ करने जा रहे हैं। पवन पुत्र में ये बात और है कि काजल राघवानी हीरोइन नहीं है उस फिल्म में, तो एक पंजाबी एक्ट्रेस है प्रियंका रेवड़ी, वो हीरोइन है। लेकिन अब जो तीसरी फिल्म की शूटिंग लखनऊ में शुरू हो गई है, जिसकी फोटोज आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, फिल्म का नाम है कैसे हो जाला प्यार। अब भाई इस फिल्म को रोमांटिक फिल्म बताया जा रहा है और ये लव ट्रायंगल फिल्म है। इस फिल्म में पहली बार पवन सिंह एक्शन करते नज़र नहीं आएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, यह फिल्म एक रोमांटिक मूवी है और इस फिल्म में पवन सिंह का रोमांस वाला अवतार आपको दिखेगा। एक्शन होगा लेकिन बहुत कम होगा। इस फिल्म में फिर वो काजल राघवानी के साथ रोमांस करते नज़र आएंगे। क्या अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि अब हो सकता है कि काजल राघवानी और पवन सिंह की ये हिट केमिस्ट्री को भोजपुरी का हर बड़ा डायरेक्टर अब अपनी फिल्म में भुनाना चाहे। आपको एक बात और बता दें कि अब खुद काजल राघवानी का नाम पवन सिंह बड़े बड़े डायरेक्टरों को रेकमेंड भी कर रहे हैं। वैसे जब से पवन और खेसारी की दोस्ती हुई है, इसका फायदा भी काजल को हुआ है। वैसे आजकल काजल राघवानी अगर इस साल देखी जाए तो खेसारी के साथ सैया अरब गईने के बाद कोई और फिल्म नहीं कर रही हैं, तो भाई किसी न किसी के साथ तो फिल्म करेंगी ही। वैसे पवन सिंह के साथ काजल राघवानी की जोड़ी बड़ी ही जबरदस्त हिट रही है। वैसे लोगों ने काजल राघवानी और पवन सिंह की जोड़ी और उनकी केमिस्ट्री दोनों को बहुत पसंद किया है। तो भाई अब इस साल यानी कि 2020 में दनादन तैयार रहिए पवन सिंह के साथ काजल राघवानी की जोड़ी को देखने के लिए। बैक टू बैक पहले आपको ये जोड़ी दिखेगी एक स्पेशल गाने के नंबर में, और फिर उसके बाद ये जोड़ी दिखेगी फुल फ्लेज अवतार में, यानी कि सिल्वर स्क्रीन पे कैसे हो जाला प्यार फिल्म में। वैसे कहाँ कहा जा रहा था कि काजल राघवानी का कैरियर ख़त्म हो सकता है जब से उन्होंने खेसारी से झगड़ा मोड़ लिया है, लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। काजल राघवानी का कैरियर भाई अपने उफान पर है, और वैसे भी अब वो भोजपुरी की नंबर वन एक्ट्रेस हो ही चुकी हैं, तो भाई नंबर वन की कुर्सी तो फिलहाल काजल राघवानी के पास है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।